Hello, bachcho. Let us read the question. The instantaneous voltages at three terminals marked x, y, and z are given by Vx is equal to V naught sine omega t, Vy is equal to V naught sine omega t plus 2 pi by 3, and Vz is equal to V naught sine omega t plus 4 pi by 3. An ideal voltmeter is configured to read RMS value of the potential difference between its terminals. It is connected between points x and y and then between y and z. The readings of the voltmeter will be option A, V, yz RMS is equal to V naught root 1 by 2. Option B, Vxy RMS is equal to V naught root 3 by 2. Option C, independent of the choice of the two terminals. Option D, Vxy RMS is equal to V naught. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है अल्टरनेटिंग करंट। तो जो करंट अपना पोलैरिटी या डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज करता है सच अ करंट इज कॉल्ड एज द अल्टरनेटिंग करंट। सो वोल्टेज इन एन अल्टरनेटिंग करंट, देर आर टू मेजरमेंट्स ऑफ द वोल्टेज। वन इज मैक्सिमम वोल्टेज which is generally denoted by V naught. तो ये है the maximum amplitude of the voltage. Maximum amplitude reached by the voltage in one cycle. The other voltage that can be measured is called as the RMS voltage. जो वी आर एम एस से डिनोट करता जाता है, दिस इज द इफेक्टिव वोल्टेज ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट। सो द रिलेशन बिटवीन द आर एम एस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज एंड द मैक्सिमम वैल्यू इज गिवन एज वी नॉट बाई टू टू। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम जो डिटेल्स क्वेश्चन में दिए हैं उसको नोट करेंगे। सो गिवन द वोल्टेज एट टर्मिनल एक्स इज वी नॉट साइन ओमेगा टी, द वोल्टेज एट टर्मिनल वाई इज वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 2 पाई बाय 3, एंड the voltage at terminal z is v naught sine omega t plus 4 pi by 3. तो अभी हम potential difference between the terminals x and y calculate करेंगे. So this will be v naught sine omega t minus v naught sine omega t plus 2 pi by 3. तो हम साइन ए माइनस साइन बी फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। सो साइन ए माइनस साइन बी इज गिवन एज टू साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाय टू इनटू कॉस ए प्लस बी डिवाइडेड बाय टू। सो दिस बिकम्स इक्वल टू, तो वी नॉट कांस्टेंट कॉमन ले सकते हैं। So this is 2 into sine omega t minus omega t minus 2 pi by 3, the whole thing divided by 2 into cos omega t plus omega t plus 2 pi by 3, the whole thing डिवाइडेड बाई टू। तो यहाँ पे ओमेगा टी कैंसिल होता है, वी कैन कैंसिल द टू फ्रॉम द टू पाई। यहाँ पे ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी बिकम्स टू ओमेगा टी, सो डिवाइड दिस होल थिंग बाई टू, सो देन वी विल गेट वी नॉट इन टू टू साइन माइनस पाई बाई थ्री कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाय
3. So साइन ऑफ माइनस पाई बाय 3 का वैल्यू आता है 2 इंटू माइनस रूट 3 बाई 2 कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाय 3. यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल होता है. अभी हम ये माइनस साइन को कॉस कॉस में ट्रांसफर करके कॉस के अंदर जो ब्रैकेट्स के अंदर जो वैल्यू है उसमें वी कैन ट्रांसफर इट. वी नो दैट सो दिस विल बी इक्वल टू वी नॉट रूट 3 इंटू कॉस ऑफ सो वी नो दैट 180 प्लस थीटा इज माइनस कॉस थीटा. कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा इज माइनस कॉस थीटा. तो यहाँ पे वी कैन जस्ट सिंस वी वॉन्ट टू कीप द एम्पलीट्यूड पॉजिटिव सो दिस विल बी प्लस पाई बाय 3. तो ये है रूट 3 वी नॉट इंटू सो पाई प्लस पाई बाय 3 ये होता है ओमेगा टी प्लस 4 पाई बाय 3. तो अभी ये जो वैल्यू है दिस इज द वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम वोल्टेज. देयरफॉर वी मैक्स इज इक्वल टू रूट 3 वी नॉट. अभी वी नो दैट वी आर एम एस इज इक्वल टू वी मैक्स बाई रूट 2. तो ये होता है रूट थ्री बाई 2 इंटू वी नॉट. तो ये है द आर एम एस वैल्यू ऑफ एक्स एंड द बिटवीन द टर्मिनल्स एक्स वाई. तो अभी हम इफ वी कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन वाई एंड जेड सो वी विल हैव वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 2 पाई बाई 3 माइनस वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 4 पाई बाई 3. सो अगेन अप्लाइंग द साइन ऑफ ए माइनस बी साइन ए माइनस साइन बी फॉर्मूला तो हम ये लिख सकते हैं सो दिस विल बी 2 इंटू साइन ऑफ सो वी हैव ओमेगा टी प्लस 2 पाई बाई 3 माइनस ओमेगा टी माइनस 4 पाई बाई 3 द होल थिंग डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस 2 पाई बाई 3 प्लस ओमेगा टी प्लस 4 पाई बाई 3 द होल थिंग डिवाइडेड बाई. तो फिर से यहाँ पे ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी कैंसिल होता है. सो 2 पाई बाई 3 माइनस 4 पाई बाई 3 विल गिव अस माइनस 2 पाई बाई 3. सो दिस इज इक्वल टू वी नॉट इंटू 2 साइन एंड द 2 एंड द 2 विल गेट कैंसिल्ड. तो यहाँ पे हमें फिर से माइनस पाई बाई 3 आता है एंड दिस इज कॉस सो दिस विल बी 2 ओमेगा टी और ये होगा 2 पाई बाय 3 प्लस 4 पाई बाय 3 विच इज 6 पाई बाय 3 विच इज इक्वल टू 2 पाई. तो वी विल गेट ओमेगा टी प्लस पाई तो दिस अगेन विल बिकम 2 into minus root 3 by 2 into cos. तो यहाँ पे pi plus omega t है तो we can write that as minus cos omega t. तो अभी minus into minus cancel होता है so we will get v y z as equal to यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल होता है वी विल स्टिल गेट
root 3 V naught cos omega t. Now again, this is the maximum value. So therefore, the RMS value between the terminals Y and Z is given by V max by root 2. तो ये होगा root 3 by 2 V naught. So हम देख रहे हैं कि जो options दिए हैं उसमें दो options correct आ रहे हैं. It is independent of which terminal we are doing the measurement from, and we are also getting the RMS value as root 3 by 2 V naught. तो अभी हम question पे जाके correct options को mark करेंगे. So this question has two correct options. So the readings of the voltmeter will be, so option B pe hum dekh rahe hain ki the RMS value between X and Y, the RMS value of the potential difference between X and Y is V naught root 3 by 2. So option B is also correct, and it is independent of the choice of the two terminals. Hum dekh rahe hain ki the potential difference between X and Y and Y and Z, the RMS value is coming out to be the same. So option C is also correct answer. Hope you have understood it well. Best of luck.